एवरीवन गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू इंफिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य तो बच्चे हमारी जो सीरीज चल रही है नी 2024 सक्सेस पाथ आज हम इसमें एक चैप्टर आपके साथ डिस्कस करेंगे जो हमारी ट्वेल्थ में जोलॉजी का लास्ट चैप्टर है दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन राइट हमने लास्ट क्लास में भी आपके साथ डिस्कस किया था जो हमारी बायोटेक यूनिट है ये हमारे नीट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अभी जो रिसेंट आपके कुछ ईयर्स है आपका नीट 2020 से लेके 23 तक आपके काफी सारे क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे गए चाहे वो आपका प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर हो या फिर वो आपका एप्लीकेशन वाला चैप्टर हो तो आज हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे एंड कल फिर हम इस चैप्टर चैप्टर के जो आपके 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 प्रीवियस ईयर है वो भी भी साथ सॉल्व करेंगे ताकि आपका ये फिंगर टिप्स पे तैयार हो जाए और आप अपनी नीट के लिए काफी अच्छे से रेडी हो जाओ राइट ओके हाई कृष्णा गुड आफ्टरनून मानसी एंड हाई गीतांजलि चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को ठीक है सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपको क्या पूछा हुआ है हम आपके हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाए इस चैप्टर के तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है ऑल आर द बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन एक्सेप्ट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सारी आपकी बायोटेक की यहाँ पे प्रोसेस है जिससे आप फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो एक्सेप्ट योर एपीकल्चर एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर ये बायोटेक चैप्टर जब आप स्टार्ट करते हो तो आपके एनसीआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ से ही क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे आपके एन के फर्स्ट पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है राइट ओके हाय रोहित तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए कौन सी आपकी यहाँ पे बायोटेक्निकल बायोटेक्नोलॉजिकल आपकी प्रोसेसेस है जिनसे आप फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा बेटा ओके okay. गीतांजलि ने सी आंसर किया है ओके okay. तो बेटा यहां पे अगर हम अपने करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या होगा बेटा आपका यहाँ पे ए ऑप्शन होगा अगर आप एप्रीकल्चर की बात करो एप्रीकल्चर का मतलब क्या है कि आप किसका प्रोडक्शन कर रहे हो यू आर प्रोड्यूसिंग द हनी बी आप किसको बना रहे हो हनी बी को बना रहे हो राइट right? तो ये आपका किस में आ जाता है ये आपने बेटा अपनी जो आपका एनिमल हजबेंड्री वाला पहले पार्ट था जो अब आपके नीट के सिलेबस में नहीं है ये बेसिकली उससे रिलेटेड है यहाँ पे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का कोई भी यूज नहीं करते यहाँ हम बायोटेक का कोई यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर आप एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर की बात करो, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करो या फिर आप जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप की बात करो तो यहाँ सब में हम किसका यूज करते हैं बेटा बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो यस मानसी यहाँ पे क्या होगा बेटा ए विल बी योर करेक्ट आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्या पूछा गया है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर इंक्लूड आपने क्या बोला कि जो आपका एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है उसमें क्या प्रेजेंट होगा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड प्रेजेंट होंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होंगी आरएनए इंटरफेरेंस होगा या फिर ऑल ऑफ दीज होगा येस बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी आपका बायोटेक यूज होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है कि आप पेस्ट को यूज नहीं कर रहे हो आप यहाँ पे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज नहीं कर रहे हो बट आप बायोटेक को तो यूज कर ही सकते हो ना और ये पूरा पोर्शन आपका कहां से जो एनसीईआरटी की पहली आपके जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस चैप्टर का वहां से आपको क्वेश्चन पूछा गया है राइट right? ये सारा क्वेश्चन आपका कहाँ से आया है? जो आपका बायोटेक का इंट्रोडक्टरी पार्ट है वहां से आपके पास क्वेश्चन है ओके <laughs> okay. पीसी uh, के लिए ए करेक्ट है गीतांजलि के लिए ए करेक्ट है फॉर मानसी आल्सो ए इज करेक्ट रोहित के लिए भी ए करेक्ट है ओके okay. तो यहाँ पे बेटा अगर हम अपने करेक्ट आंसर की बात करें तो यस yes, वहां पे क्या आएंगे आपके फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आएंगे आपका जो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है वहां पे आप किसकी बात करते हो बेटा वहां पे आप किसको पढ़ते हो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स को पढ़ते हो राइट right? तो ये आपका स्टार्टिंग में ही सारा पॉइंट गिवन है एनसीआरटी में हमारी ठीक है तो यहाँ पे सबके प्लस फोर मार्क्स यहाँ पे सबके प्लस फोर मार्क्स ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्या पूछा गया है सेलेक्ट द द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गोल्डन राइस आपको क्या करना है गोल्डन राइस के बारे में बताना है ये भी आपका एनसीआरटी में इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही पूछा गया है राइट right? पहला आपने कहा इट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजर सेकेंड आपने कहा इट इज कम्प्लीटली रेजिस्टेंट टू ऑल इंसेक्ट पेस्ट एंड द डिजीज थर्ड आपने कहा इट गिव हाई इल्ड बट नो कैरेक्टरिस्टिक एंड एंड फोर्थ आपने कहा हाई रिच इन ए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे है ना कि आपका जो गोल्डन राइस है गोल्डन राइस के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा सो फॉर गीतांजलि सम्राट मानसी जीएस आप सबके लिए डी करेक्ट आंसर है ओके okay. ओके okay. चलिए तो यहाँ पे बेटा हम अपने करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ये दैट इज योर डी ऑप्शन जो गोल्डन राइस है वो बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रोडक्ट है जिसकी वजह से आपका क्या है जिसमें वाइटामिन ए आपका क्या है एनरिच है ये वाइटामिन ए एनरिच प्रोडक्ट है आपका राइट तो यस yes, यहाँ पे सबके प्लस फोर मार्क्स सबका डी करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्या पूछा गया है अ ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप विच मे बी हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इन डेवलपिंग कंट्री इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन आपको ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप यहाँ पे पूछी गई है जिससे आप नाइट ब्लाइंडनेस को क्योर कर सकते हो पहला आपने बोला बीटी कॉटन सेकेंड आपने कहा गोल्डन राइस थर्ड आपने कहा फ्लावर सेवर एंड फोर्थ आपने कहा बीटी कॉर्न तो आंसर क्या होगा बहुत ईजी क्वेश्चन है ओके सम्राट एंड गीतांजलि के लिए बी करेक्ट आंसर है ओके फॉर जीएस पीसी ओके आप दोनों के लिए भी बी करेक्ट आंसर है ओके okay. मानसी के लिए भी बी करेक्ट आंसर है ओके okay. यस yes, बच्चा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा अगर आप अपने करेक्ट आंसर की बात करो तो यस दैट इज योर बी ऑप्शन जो आपका गोल्डन राइस है ये क्या है दैट इज द एनरिथ सोर्स ऑफ वाइटमिन ए अभी हमने पढ़ा तो इससे आप किसको कर सकते हो नाइट ब्लाइंडनेस को क्योर कर सकते हो राइट right? तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर तो यहाँ पे सबके प्लस फोर मार्क्स ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेटा यहाँ पे स्टेटमेंट वन आपने दिया अ क्रॉप एक्सप्रेसिंग इज़ यूजुअली रजिस्टेंट टू अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट एंड आपने स्टेटमेंट टू कहा क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बेसिलस थेस राइट to right? आपको यहाँ पे अगर वो क्राइजी है तो दैट इज रजिस्टेंट टू द ग्रुप ऑफ इंसेक्ट और स्टेटमेंट बी आपने क्या कहा कि जो आपका क्राई प्रोटीन है ये किसके लिए टॉक्सिक है दैट इज टॉक्सिक टू द लार्वा ऑफ द इंसेक्ट तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए कुड यू प्लीज से इन इंग्लिश बेटा आपका जो क्वेश्चन है योर क्वेश्चन इज ओनली इन द इंग्लिश है ना ओके सो फॉर गीतांजलि सम्राट एंड मानसी ए इज करेक्ट आंसर ओके वट अबाउट अदर स्टूडेंट्स ये तो पूरा आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है बेटा यहाँ से तो आपका पूरा बायोटेक एप्लीकेशन वाला चैप्टर आपकी एनसीईआरटी में स्टार्ट होता है राइट ओके okay, पीसी के लिए बी करेक्ट आंसर है ठीक है ओके okay, तो यहाँ पे बेटा अगर हम अपने करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या होगा आपका यहाँ पे दे विल बी रेजिस्टेंट टू अ पर्टिकुलर इंसेक्ट वो आपके पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए ही क्या होंगे वहां पे रजिस्टेंट होंगे राइट एंड ये किसको हार्म करेगा लार्वा ऑफ द इंसेक्ट राइट तो ये ए वालों के सबके प्लस फोर मार्क्स ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्या पूछा गया है सेलेक्ट इन करेक्ट स्टेटमेंट आपको क्या बताना है बच्चा यहाँ पे इन करेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो फर्स्ट इज योर इन डेवलपिंग कंट्रीज एग्रोकेमिकल आर वेरी एक्सपेंसिव टू द फार्मर सेकेंड इज ड्यूरिंग ग्रीन रिवोल्यूशन फूड प्रोडक्शन वॉज ट्रिपल्ड थर्ड इज बीटी टॉक्सनस कार्बोहाइड्रेट बाय नेचर एंड फोर्थ इज पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कैन बी रिड्यूस बाई दोडिफिकेशन ऑफ द प्लांट यहाँ पे आंसर क्या होगा <coughs> आपको क्या बताना है बेटा यहां पर आपका इन करेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहां पर हमारा ओके okay, सम्राज के लिए गीतांजलि के लिए सी करेक्ट आंसर है फॉर पी सी डी इज करेक्ट आंसर ठीक है फॉर मानसी ऑल्सो सी इज करेक्ट मे बी मे बी नहीं होना चाहिए बेटा नीट एग्जाम में हमें गेस्ट नहीं करना है ओके वुड बी सर्जन के लिए बी करेक्ट आंसर है ओके okay. चलिए तो यहाँ पे बेटा अगर हम अपने करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या होगा आपका यहाँ दैट इज योर सी ऑप्शन आपका जो बीटी टॉक्सिन है उसका अगर आप नेचर की बात करो तो दैट इज प्रोटीन ये कैसा टॉक्सिन टॉक्सिन है है प्रोटीनेशियस right? तो आपका आपका राइट तो सी क्या होगा यहाँ पे इन होगा डी तो बेटा क्या दिया पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कि आपने सपोज uh, अगर आप टमाटो की बात कर रहे हो तो आप इससे क्या बना सकते हो शेल्फ लाइफ आप उनकी इंक्रीज कर सकते हो राइट right? तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सी बी योर करेक्ट आंसर यस तो यहां पे सी वालों के सबके प्लस फोर मार्क्स ओके okay. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते आपका क्या दिया बेटा आपका एनसीईआरटी में किया हुआ है कि क्राई वन ए सी किसके लिए टॉक्सिक होगा क्राई ख्राइव... आपका क्राई टू ए बी किसके लिए टॉक्सिक होगा और क्राई वन ए बी किसके लिए टॉक्सिक होगा राइट ये हमारी NCRT में मेंशन किया हुआ है हमारे पास <coughs> तो यहां पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए ओके वुड बी सर्जन के लिए ए करेक्ट है ठीक है सम्राट के लिए गीतांजलि के लिए सी करेक्ट आंसर है ओके फॉर मानसी आल्सो सी इज करेक्ट ओके ओके okay, तो बेटा यहाँ पे अगर हम अपने करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा हेयर ए विल बी योर करेक्ट आंसर आपने क्या कहा क्राई वन ए किसको कर रहा है आपका कॉटन बॉल वॉर्म को कर रहा है क्राई टू ए भी आपने क्या कहा कि वो किसको कर रहा है कॉन बोर्डर है वो आपके कॉन को इनफेक्ट कर रहा है और जो आपका थर्ड है क्राई वन ए बी वो किसको कर रहा है आपका कॉटन बॉल वार्म को कर रहा है तो बेटा क्या हमने इसको एनसीआर से पढ़ा है सबने ये तो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है राइट तो ये अच्छे से हमें एक बार पढ़ना है ठीक है यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्या पूछा गया है बीटी टॉक्सिन प्रोटीन क्रिस्टल्स प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम बेसिलस यूर

थर्ड आपने का बैक्टीरिया इनक्लोजिन इन स्पेशल एंड फोर्थ आपने का नन ऑफ दीज याद नहीं होता याद करना पड़ेगा बेटा एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रोटीन आपके लिए राइट ओके okay. सो so, सम्राट के लिए सर्जन के लिए गीतांजलि के लिए बी करेक्ट आंसर है ओके ठीक है तो यहाँ पे बेटा अगर हम अपने करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या होगा बी बी विल योर करेक्ट आंसर कि जो आपका बीटी टॉक्सिन है वो को हार्म नहीं करता क्यों नहीं करता क्योंकि बैक्टीरिया uh, के अंदर ये आपका इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये केवल जब आपका इंसेक्ट uh, में जाएगा जब पेस्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा राइट सो यस मानसी यहाँ पे क्या होगा बीज योर करेक्ट आंसर तो यहाँ पे सबके प्लस फोर मार्क्स

या फिर मेलोइडोगाइन, uh, इनकोग्निशिया या फिर आपका टीनिया सोलियम तो आंसर क्या होगा ओके okay, सर्जन के लिए सम्राट के लिए गीतांजलि के लिए विशाल के लिए ओके okay, आप सबके लिए सी करेक्ट आंसर है ओके okay, तो यहाँ पे बच्चा अगर हम अपने करेक्ट आंसर की बात करें तो यस योर सी ऑप्शन बेसिकली ये किससे रिलेटेड है क्या पूछा गया है आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व आपसे क्या पूछा गया है? कि आर इंटरफेरेंस में क्या होगा फर्स्ट आपने कहा एन एन आर एन यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट सेकेंड आपने कहा साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एम आर एन ए डू टू द कॉम्प्लीमेंट्री आर एन एर्ड आपने कहा इंटरफेस ने कहा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए ओके okay, सर्जन के लिए सम्राट के लिए विशाल के लिए गीतांजलि के लिए बी करेक्ट आंसर है फॉर पी सी इज करेक्ट आंसर ओके मानसी के लिए भी बी करेक्ट आंसर है ठीक है तो यहाँ पे बच्चा अगर हम अपने करेक्ट आंसर की बात करें तो यस दैट इज द बी ऑप्शन आरएनए इंटरफेरेंस इंटरफरेंस में क्या होता है बेटा आपकी साइलेंसिंग होती है की, क्यों एम आर एन ए की साइलेंसिंग हो रही है क्योंकि हम सबको पता है प्रोटीन बनाएगा बनाएगा जीन बनाएगा. तो ये क्या कर देता है उस जीन की या प्रोटीन की क्या कर देता है साइलेंसिंग कर देता है जिसकी वजह से जो आपका प्लांट है उसमें ग्रोथ नहीं हो पाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की राइट तो यस यहाँ पे जिन्होंने भी बी मार्क किया सबके प्लस फोर मार्क्स राइट ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया है बेटा स्टेटमेंट वन इज आरएनए इंटरफेरेंस एंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यू ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस एंड स्टेटमेंट टू इज मेलोइडोगाइन इनकोग्निटा इनफेक्ट द रूट ऑफ द टोबैको प्लांट तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए हमारा कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं यहाँ पे रॉन्ग हुआ कोई दिक्कत नहीं है अपने नीट एग्जाम के लिए याद रखो बस चीजों को अब ठीक है ये सेशन सी इसलिए है ताकि आपकी नीट एग्जाम की तैयारी हो सके ओके सम्राट के लिए सर्जन के लिए ए करेक्ट है फॉर विशाल एंड गीतांजलि सी इज करेक्ट ओके मानसी के लिए भी सी करेक्ट आंसर है ओके चलिए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा ए विल बी अ करेक्ट आंसर बेटा आपने क्या कहा कि जो आपका आरएनए इंटरफेरेंस है ये तो बेटा सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होता है ना एज अ मैथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस ये तो बेटा आपकी टी की लाइन भी है अगर आप एनसीआर में इंटरफेरेंस वाले टॉपिक को देखोगे तो वहां पे आपका ये फर्स्ट लाइन में लिखा भी है कि आर एन ए इंटरफेरेंस इज अ मैथड ऑफ सेल्युलर डिफेंस इन ऑल यू ऑर्गेनिज्म यू रीड प्रोकैरियोटिक, देन ध्यान रखो आप um, क्या करोगे जल्दी में अगर क्वेश्चन रॉन्ग कर दोगे तो नीट में प्रॉब्लम हो जाएगी राइट और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता ये आता भी है एग्जाम सेलुलर डिफेंस का मेथड है इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और येस जो आपका मेलोइडोग है वो किसको इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ टबैको को करता है राइट तो ये जिन्होंने ए मार्क किया था सबके प्लस फोर मार्क्स ओके okay. <coughs> Now, next question is Gene therapy can be referred to as Gene therapy, beta safne padi yogi, right? First, apne ka preclinical testing for inherited diseases in the newborn. Second, is treatment of disease caused by the genetic defect. Third, genetic engineering using our recombinant DNA technology. And fourth, cancer treatment using in vitro culture stem cell. To so, gene therapy ka matlab kya oga beta? What is the definition for your gene therapy? ओके okay. सर्जन uh, के लिए एम के के लिए विशाल के लिए सम्रा uh, के लिए बी करेक्ट आंसर है सम्राट के लिए सी करेक्ट आंसर है ओके फॉर गीतांजलि आल्सो सी इज करेक्ट ओके ओके ठीक है तो यहाँ पे बच्चा अगर हम अपने करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पे बी विल बी योर करेक्ट आंसर बेटा आप किसकी बात कर रहे हो जीन थेरेपी की बात कर रहे हो तो जीन थेरेपी में तो क्या करते हो बेटा आप डिजीज का ट्रीटमेंट करते हो जहां पे कोई जेनेटिक आपका डिफेक्ट है उसको क्या करोगे अपना अपना क्योर करोगे राइट थर्ड में क्या दिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग यूजिंग आर डी टेक्नोलॉजी तो उसको तो आप क्या बोलते हो वो बायोटेक है आपका सिंपल सा राइट तो ये यहाँ पे जिन्होंने बी मार्क किया था सबके प्लस फोर मार्क्स यस मानसी गुड आफ्टरनून सौरभ ओके Now next question is what is the permanent cure of adenosine deaminase ADA deficiency in the children? Question बहुत पूछा जाता है बेटा आपका यहाँ पे ये जो question है बहुत आता है gene therapy में आपका right? तो आपका यहाँ पे जो ADA है ADA के लिए आपका permanent cure क्या होगा? पहला आपने बोला bone marrow transplantation, second आपने कहा enzyme replacement therapy. थर्ड आपने कहा कि आपका इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइड एंड फोर्थ आपने कहा इंट्रोडक्शन ऑफ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बोन सेल विच प्रोड्यूस ए डी ए द सेल ऑफ द पेशेंट एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज राइट सो सर्जन के लिए सम्राट के लिए एम के के लिए गीतांजलि के लिए विशाल मानसी सौरभ आप सबके लिए डी करेक्ट आंसर है कलश के लिए भी डी करेक्ट आंसर है ओके okay. तो यहाँ पे बच्चा अगर हम अपने करेक्ट आंसर की बात करें तो यस दैट इज द डी ऑप्शन आप uh, basically lymphocyte भी एक है, है? लेकिन वो क्या है आपका केवल कुछ के लिए lymphocyte की जैसे ही आपकी खत्म होगी, आपको वापस से lymphocyte को insert करना पड़ेगा। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द परमानेंट क्योर सो वो क्या होगा आपका इंट्रोडक्शन uh, होगा आपका जीन का एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज राइट तो yes, यहाँ पे सबका करेक्ट आंसर है सबके प्लस फोर मार्क्स ओके Now next question is in conventional diagnosis method like serum analysis early detection of disease is not possible. The technique that help in early detection of the disease is आपसे क्या पूछा गया है कि जो आपकी conventional methods है वहां पे आप early detection of disease नहीं कर सकते ये आप किसकी help से कर सकते हो अपना uh, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर सकते हो पीसीईआर की हेल्प से कर सकते हो एलिसा की हेल्प से कर सकते हो या फिर ऑल ऑफ दीज ओके सो एमके के लिए सर्जन के लिए सम्राट के लिए विशाल के लिए सुमन के लिए ओके मानसी कलश गीतांजलि सबके लिए डी करेक्ट आंसर है तो यस बच्चा यहाँ पे आपका क्या होगा बेसिकली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर करेक्ट आंसर तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका करेक्ट आंसर कन्वेंशनल मैथड्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे क्या होगा आपका डी विल बी योर करेक्ट आंसर राइट यहाँ पे क्या होगा आपका डी विल बी योर करेक्ट आंसर ये सौरभ यहाँ पे क्या होगा पी सी एंड सौरभ डी विल बी योर करेक्ट आंसर ये आपके एनसीआर में पूरे पैराग्राफ में भी mentioned है राइट right? ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये सबके प्लस फोर मार्क्स स्टेटमेंट वन इज पीसीआर टेक्निक इज हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग बैक्टीरिया एंड द वायरल डिजीज इवन व्हेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज आर नॉट येट विजिबल स्टेटमेंट टू इज वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बैक्टीरिया और वायरसेस इन ह्यूमन बॉडी कैन बी डिटेक्टेड बाई द एम्प्लीफिकेशन ऑफ दर न्यूक्लिक एसिड यूजिंग द पी सी आर टेक्निक तो यहां पर क्या होना चाहिए ओके फॉर गीतांजलि विशाल ओके ओके सुमन एम के मानसी ओके आप कैलश आप सबके लिए ए करेक्ट आंसर है एंड सम्राट के लिए सी करेक्ट आंसर है ओके okay. तो यहाँ पे बेटा अगर हम अपने करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा ए विल बी करेक्ट आंसर ये एनसीआर टी की डायरेक्ट लाइन से आपके पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन उठ के आया है यहाँ पे लैंग्वेज भी डिफर नहीं किया है अगर आप एनसीआरटी अच्छे से पढ़ लेते हो बेटा तो सारे क्वेश्चन आराम से बहुत ईजीली करेक्ट होंगे हर क्वेश्चन में प्लस फोर मार्क्स आएंगे राइट आपकी एनसीआर में है कि जो आप कि जो पीसीआर है उससे क्या कर सकते हो अपने जो अर्ली डायग्नोसिस है अर्ली डायग्नोसिस को भी चेक कर सकते हो क्योंकि आप बहुत छोटे से आप अगर उसका बहुत छोटा सा डीएनए ले रहे हो तो पीसीआर में आप क्या करोगे एम्प्लीफिकेशन करोगे जिससे आप डिजीज uh, का डायग्नोसिस कर पाओगे राइट तो यस यहाँ पे सबके प्लस फोर मार्क्स <laughs>

सेकेंड आपने कहा पीसीआर टेक्निक इज अपलाइड टू द डिटेक्ट एच आई वी इन द सस्पेक्ट एड्स पेशेंट एंड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन द जीन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट थर्ड आपने कहा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ द जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइड एडीए डेफिशिएंट पेशेंट एंड फोर्थ इज बायो रेमिडिएशन इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो क्या होना चाहिए ओके okay, सुमन के लिए विशाल के लिए मानसी के लिए सम्राट सौरभ एमके ओके कैलश ओके okay, आप सबके लिए ए करेक्ट आंसर है ओके okay. तो यहाँ पे क्या होगा यस yes, बच्चा ए इज योर करेक्ट आंसर यस गांजलि यहाँ पे क्या होगा ए इज करेक्ट आंसर बेसिकली जो इंसुलिन है वो पहले कैट से लिया जाता था पहले पिक से यूज किया जाता था बट बेसिकली क्या था वहां पे अगर आप बात करो तो वो हम अगर आप ह्यूमन में इंसर्ट करते थे तो वहां पे आपके रिजेक्शन के चांसेस थे राइट right? तो यस ए इज योर करेक्ट आंसर ए में सबके प्लस फोर मार्क्स यस

फोर्थ इज और योर नन ऑफ दीज तो यहां पर क्या होगा ओके फॉर सुमन एम के सौरभ विशाल गीतांजलि सम्राट मानसी ओके आप सबके लिए डी करेक्ट आंसर है ओके ओके कलश के लिए भी डी करेक्ट आंसर है ओके okay. तो बेटा अभी तो आप अपने नीट एग्जामिनेशन पे ध्यान दो राइट जब नीट का एग्जाम आएगा तो तब हम जब नीट का रिजल्ट आएगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे ठीक है चलिए तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा यस डी विल बी योर करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा डी इज योर करेक्ट आंसर ठीक है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्या पूछा गया है विश अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अगेन क्या बताना है बेटा आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है So first is milk of first transgenic cow uh, contained human alpha-lacta-albumin and was a nutritionally a more balanced product for the human baby. Second is transgenic cow producing milk with human uh, alpha-lacta-albumin have been produced. Third is a permanent cure of ADA deficiency is not yet achieved by the genetic engineering

तो इनको अच्छे से पढ़ना है ठीक है तो सम्राट गीतांजलि सौरभ सुमन कलश विशाल मानसी ओके आप सबके लिए सी करेक्ट आंसर है ओके तो यस बच्चा अगर हम अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो यस सी ऑप्शन आपका जो है उसके लिए परमानेंट क्योर है वो भी हमने डिस्कस किया कि अगर आप अपने जीन को क्या करोगे अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंसर्ट कर दोगे देन वो क्या हो जाएगा आपका परमानेंट क्योर हो जाएगा राइट ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन स्टेटमेंट वन इज मोर टिक सबस्टांसिस नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए आपने स्टेटमेंट वन में क्या कहा बेटा कि आपका जो ट्रांसजेनिक माइस है उसका हम किसके लिए यूज कर सकते हैं पोलियो वैक्सीन के लिए यूज किया जा सकता है राइट एंड आपने स्टेटमेंट टू में क्या कहा कि जो आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उसमें क्या होंगे आपके जीन्स कैरी करेंगे विच आर मोर सेंसिटिव टू द टॉक्सिक सबस्टांसेस सो वट विल बी योर करेक्ट आंसर गुड आफ्टरनून बेटा फॉर सुमन सम्राट सौरभ एम के ए इज करेक्ट फॉर गीतांजलि बी इज करेक्ट आंसर ओके फॉर चिकन डी इज करेक्ट आंसर कैसे नाम रखते हो बेटा कभी कभी आप लोग कलश के लिए सी करेक्ट आंसर है और मानसी के लिए ए करेक्ट आंसर है ओके okay. चलिए तो यहाँ पे बेटा अगर हम अपने करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे बेटा दोनों ही क्या है आपके करेक्ट स्टेटमेंट है जो आपका ट्रांसजेनिक माइस है यस हम उसके लिए हम उसको किसके लिए यूज कर रहे हैं पोलियो वैक्सीन के लिए यूज कर रहे हैं और सेकेंड आपने क्या कहा कि जो आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं इसमें क्या प्रेजेंट होंगे जीन प्रेजेंट होंगे जो क्या करेगा आपका जो ज्यादा सेंसिटिव होंगे आपके नॉन ट्रांसजेनिक के लिए राइट सो यस यहाँ पे क्या है ए इज योर करेक्ट आंसर तो ए वालों के सबके प्लस फोर मार्क्स ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन प्रोटीन विच इज बी ऑप्टेन फ्रॉम द ट्रांसजेनिक एनिमल एंड यूज टू ट्रीट एम्फाइजेमा इज क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सी आपकी ऐसी ह्यूमन प्रोटीन है जो आपकी ट्रांसजेनिक एनिमल uh, से मिली है और जिसको आप किसके लिए क्योर कर रहे हो एम्फाइजेमा के लिए कर रहे हो तो बहुत ईजी क्वेश्चन है सबके फटाफट से आंसर आए हमारे पास सुमन गीतांजलि एम के ओके फॉर श्योर भी है यहाँ तो विशाल सम्राट सौरभ कलश ओके okay, आप सबके लिए सी करेक्ट आंसर है फॉर मानसी आल्सो सी इज करेक्ट ओके ओके चलिए तो यहाँ तो इतना कॉन्फिडेंस है हमें कि हमने प्लस फोर भी दे दिया है ओके okay. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा आपका यहाँ पे यस सी इज योर करेक्ट आंसर दैट इज द एल्फा वन एंटी बेटा बायोटेक चैप्टर कौन से सब्जेक्ट में आता है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की बात योर कॉलम टाइप जो किससे रिलेटेड है बेटा आपके ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है राइट यहाँ पे क्या पूछा है गोल्डन राइस बीटी कॉटन एंड रोजी काउ के लिए पूछा गया है तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है राइट तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए हमारा ओके फॉर सुमन गीतांजलि एम के सम्राट सौरभ शीतल कलश ओके आप सबके लिए बी करेक्ट आंसर है ओके ओके यू गिव द आंसर फर्स्ट ओके विशाल के लिए मानसी के लिए भी बी करेक्ट आंसर है ओके तो यहाँ पे बच्चा अगर हम अपने करेक्ट आंसर की बात करें तो यस दैट इज योर बी ऑप्शन जो गोल्डन राइस है वहां पे क्या प्रेजेंट होगा आपका वाइटामिन ए प्रेजेंट होगा बीटी कॉटन में आपका पेस्ट रेजिस्टेंट है और रोजी का आपकी कैसी है प्रोटीन एंड रिच मिल्क देती है राइट तो यस yes, यहाँ पे सबके प्लस फोर मार्क्स ओके

सबके सब लिए ए करेक्ट आंसर है और सम्राट के लिए डी करेक्ट आंसर है ओके फॉर मानसी ऑल्सो इज करेक्ट ओके तो यस बच्चा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा ए होगा बेटा ऐसा नहीं होता कि कहीं अगर आपको क्वेश्चन में फोर्थ में दिया है ऑल ऑफ दीज तो वही करेक्ट होगा ऐसा मत करना कभी भी एग्जाम में ठीक है आपका जो बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग है उससे हम क्या बना रहे हैं ट्रांसजेनिक माइस बना रहे हैं हम ट्रांसजेनिक बना रहे हैं आपने कहा कि रोजी ट्रांसजेनिक आपकी बन रही है बट उसने क्या कहा है? इसमें क्या प्रेजेंट होगा हाई फैट मिल्क प्रेजेंट होगा जिसको आप घी बना सकते हो ऐसा तो नहीं है ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है आपका राइट तो यस यहाँ पे ए इज योर करेक्ट आंसर ए वालों के सबके प्लस फोर मार्क्स ओके जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल आपको क्या पूछा गया यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है जी ए सी के लिए ठीक है तो आपका क्या पूछा गया है? पहला इट मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च सेकेंड इज इट विल इंश्योर द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म थर्ड इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन कैन हैव व्हेन सच ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस इनटू द इकोसिस्टम एंड प्रोटीन होता है ओके फॉर चिकन सुमन विशाल सम्राट गीतांजलि मलू सौरभ कालाश आप सबके लिए डी करेक्ट आंसर है ओके प्लस प्लस फोर मार्क्स ओके नॉट श्योर चलिए तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा अगर आप जी ए सी की बात करो तो आपने कहा कि बेटा यहाँ पे ऑल ऑफ द अब करेक्ट है चलिए एक बार देख लेते पहला आपने कहा कि ये क्या कर रही है वैलिडिटी दे रही है आपके जीएम रिसर्च के लिए ठीक है सेकेंड आपने कहा ये आपका सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक सर्विसेज ये भी आपका बिल्कुल ठीक है ठीक है थर्ड आपने कहा जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट व्हेन सच ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस इनटू द इकोसिस्टम हो सकते हैं ये आपके एंड देयरफॉर द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप द ऑर्गेनाइजेशन सच एज जीएसी ये भी बिल्कुल करेक्ट है तो ये यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा डी विल बी योर करेक्ट आंसर यस ठीक है ओके यस मानसी डी इज योर करेक्ट आंसर तो सबके प्लस 4 मार्क्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायो पेटेंट आर फर्स्ट आपने कहा राइट टू यूज इन्वेंशन सेकेंड इज राइट टू यूज द बायोलॉजिकल थर्ड इज राइट टू यूज प्रोडक्ट एंड फोर्थ इज राइट टू यूज द प्रोसेस विल वट डू यू मीन बाय द बायो पेटेंट क्या मीनिंग होगा बेटा बायो पेटेंट का आपने नाम सुना भी होगा पेटेंट राइट तो क्या मीनिंग होगा इसका ओके, फॉर चिकन विशाल कलश ओके चिकन एंड कलश के लिए सी करेक्ट है फॉर विशाल डी इज करेक्ट फॉर शीतल ऑल्सो डी इज करेक्ट मलू के लिए ए है सौरभ गीतांजलि सुमन आप सबके लिए डी करेक्ट आंसर है ओके

आप प्रोडक्ट्स को यूज नहीं कर सकते आप प्रोसेस को यूज नहीं कर सकते कि कैसे बनाए जैसे अभी इतने सारे आपके फूड प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है इतना सारा खाना है राइट डिफरेंट टाइप की वराइटीज है तो आप उन सबको बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकते राइट सो यस यहाँ पे क्या होगा फोर्थ विल बी योर करेक्ट आंसर तो यहाँ के यहाँ पे सबके प्लस फोर मार्क्स ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्या पूछा गया है विच स्टेप हैज बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया

ओके okay, सुमन के लिए फॉर uh, सुमन सम्राट चिकन ओके okay, मालू सौरभ आपके लिए बी करेक्ट आंसर है चैट बॉक्स में बेटा आपके लिंक uh, दिया हुआ है एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है आप उसको फिल कर सकते हो इंफॉर्मेशन के लिए राइट right? ओके okay, गीतांजलि के लिए सी करेक्ट आंसर है फॉर विशाल ए इज करेक्ट एंड फॉर कलश एंड शीतल बी इज करेक्ट आंसर ओके तो यहाँ पे बेटा अगर हम अपने करेक्ट आंसर की बात करें तो यस दैट इज योर बी ऑप्शन जो इंडियन पेटेंट बिल है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया था आपके पेटेंट की पायरेसी को आ, रोकने के लिए राइट right? यस yes, तो यहाँ पे सबके प्लस फोर मार्क्स जिन्होंने बी मार्क किया उन सबके प्लस फोर मार्क्स ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्री हैज गॉट द द पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस आपसे क्या पूछा गया है कि किस कंट्री के लिए आपका पेटेंट बासमती राइस के लिए पेटेंट पूछ uh, मिला है पहला थाईलैंड सेकंड कोरिया थर्ड अमेरिका एंड फोर्थ ब्रिटेन सुमन के लिए फॉरमलू uh, सम्राट ओके okay. आप सबके लिए सी करेक्ट आंसर है फॉर गीतांजलि डी इज करेक्ट आंसर कलश के लिए भी डी करेक्ट आंसर है फॉर सौरभ सी इज करेक्ट ओके फॉर शीतल आल्सो सी इज करेक्ट ओके ओके okay, विशाल के लिए भी सी करेक्ट आंसर है ओके okay, तो यस बेटा अगर हम अपने करेक्ट आंसर की बात करें तो यस दैट इज द सी ऑप्शन दैट इज द अमेरिका बेसिकली अगर आप बासमती राइस की बात करो तो जो इसका ओरिजिनल हाउस है जहां पे बासमती की डिफरेंट वैराइटीज आपके प्रोड्यूस की जाती है वो कौन सी है आपके दैट इज द इंडिया राइट वो किसके लिए वो क्या है आपका इंडिया है राइट right? बट इसका जो बेसिकली आपका पेटेंट लेने के जो आपकी कोशिश की थी वो किसने की थी दैट विल बी द अमेरिका राइट ओके यस ये आपका लास्ट पार्ट है बेटा इस चैप्टर का ये आपका लास्ट पार्ट है उन्होंने ट्राई किया था राइट right? बासमती राइस के लिए ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच पेयर आपको यहाँ पे इनकरेक्ट मैच पेयर बताना है तो फर्स्ट आपने बोला एम्फाइजेमा एल्फा वन एंटीट्रिप्सिन ट्रिप्सिन सेकेंड इज पीसीआर फॉर द एट थर्ड इज बायोपेटेंट बासमती राइस एंड फोर्थ इज द ट्रेसी फर्स्ट ट्रांसजेनिक आओ ये तो किसी का भी रॉन्ग नहीं हो सकता ये क्वेश्चन तो किसी का भी रॉन्ग नहीं हो सकता तो सबका करेक्ट होगा राइट right. यस yes, बेटा इंडिया में बहुत होता है बासमती राइस इंडिया में ही एक्चुअल में होता है ओके okay, सुमन के लिए फॉर मलु डी इज करेक्ट फॉर शीतल बी इज करेक्ट फॉर गीतांजलि बी ओके फॉर सम्राट डी ये एक्सपेक्टेशन तो हमें आपसे नहीं थी राइट right? आपने इस क्वेश्चन को रॉन्ग कर लिया फॉर कैलश बी इज करेक्ट आंसर ओके और किसी का कोई और आंसर ओके okay, विशाल के लिए डी करेक्ट आंसर है ओके okay. क्रेसी बस नाम है बेटा एक क्रेसी आपको नाम दिया हुआ एक ओके okay, तो यहाँ पे बेटा अगर आप अपने करेक्ट आंसर की बात करो तो यस दैट इज अ डी ऑप्शन बेटा आपका जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी वो ट्रेसी नहीं थी दैट वाज द रोजी राइट उस काउ का नाम क्या था दैट वाज द रोजी और अगर आप एड्स की बात करो बेटा तो एड्स के लिए आप किसको यूज करते हो एलाइजा को यूज करते हो इसके अलावा आप वहाँ पे पी को भी यूज करते हो राइट आप वहाँ पे पी को भी यूज करते हो ठीक है सो so yes, यस पे क्या होगा आपका डी विल बी योर करेक्ट आंसर ओके जिन्होंने डी मार्क किया सबके प्लस फोर मार्क्स ओके सो स्टूडेंट्स आज हमने आपके साथ जो बायोटेक्नोलॉजी बायो एप्लीकेशन चैप्टर है इस चैप्टर के हर एक टॉपिक से आपके साथ क्वेश्चंस को डिस्कस किया जिससे बेसिकली आपको एक ओवरव्यू uh, मिला होगा एक आइडिया मिला होगा कि आपका किस टॉपिक से किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये प्योरली आपका एनसीआर प्रैक्टिस सेशन है राइट right? ये पूरा आपका एनसीआर से बेस्ड अपॉन है एनसीआर की डायरेक्ट लाइन आपकी स्टेटमेंट वाइज में आई है या फिर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आई है तो आपको एनसीआर को ना तो ऐसा कर देना है कि वो बोलते ना घोट के पी लेना ऐसा

चलिए तो अब हम आपको मिलेंगे कल के सेशन में इस चैप्टर के पी वाई क्यूज के साथ ओके चलिए थैंक यू सो मच एवरी